व्हाट इज़ एंटी रोल बैक ऑन रेडमी नोट 5 प्रो। काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे यूट्यूब वीडियो पे और हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसके ऊपर आ रहे थे कि एंटी रोल बैक क्या है, ARB4 क्या होता है, ARB3 कैसे होता है, इसको कैसे रिमूव करना है, कैसे हम अपने फ़ोन को ब्रेक करने से बचा सकते हैं और कैसे पता चलेगा कि हमारा फ़ोन ARB4 है कि ARB3 है। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आपको वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करेंगे और कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं होगी। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ पाएंगी। आपके जितने भी जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपके उनके आंसर्स मिल जाएंगे आपको। तो उस वीडियो को शुरू करते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है आपको इस वीडियो में। सबसे पहली बात तो ये है कि ARB4 और ARB3 होता क्या है। अब पता कैसे करें कि आपके फ़ोन में ARB4 है कि ARB3 है। अगर आपके पास PC और लैपटॉप है तब तो ईजिली आप पता कर सकते हैं। अगर नहीं है तब भी एक तरीका है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कैसे आपको पता करना है। तो जिनके पास PC और लैपटॉप है उनको पूरा कन्फर्म करने के लिए, 100% श्योर होने के लिए कैसे पता करें, तो उसको मैं बताता हूँ क्या करना है उसके लिए। उसके लिए सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो। फ़ोन स्विच ऑफ होते ही वेट करेंगे थोड़ी देर और अपने फ़ोन को फास्ट बूट मोड पे लेके आएंगे। रिकवरी मोड पे नहीं, फास्ट बूट मोड के ऊपर, जिस पे MI बनी की फ़ोटो बनी होती है और फास्ट बूट लिखा होता है। तो उसके लिए होता क्या है, वॉल्यूम डाउन के बटन को पहले प्रेस करेंगे आप और फिर पावर के बटन को एक साथ, दोनों बटनों को एक साथ थोड़ी देर होल्ड रखेंगे और आपका फ़ोन जो है फास्ट बूट मोड पे आ जाएगा। कुछ आपको MI फास्ट बूट की जो स्क्रीन होती है वो आपके सामने दिखेगी बनी हुई। अगर नहीं आता है तो आप फिर से ट्राई करेंगे। जैसे मेरे से हुआ नहीं एक बारी में, मैं फिर से ट्राई करूँगा क्योंकि मैं इसमें कवर यूज़ कर रहा हूँ तो बटन प्रेस करने में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखिए कुछ इस तरीके की फोटो आएगी। जैसे ये फोटो आएगी आपको क्या करना है, आपके फ़ोन के साथ जो USB केबल आती है वो लेनी है और अपने लैपटॉप के साथ अपने फ़ोन को कनेक्ट कर देना है, ये डेस्कटॉप जो भी आपके पास है। अब आप इसको छोड़ देंगे यहाँ पे और डेस्कटॉप पे चलेंगे। डेस्कटॉप पे सिर्फ आपको एक फोल्डर चाहिए जिसको होते हैं प्लेटफॉर्म टूल्स फोल्डर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर जाके आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक और ओपन कमांड विंडो हेयर करेंगे। अब कमांड विंडो पे आपको जो टाइप करनी है कमांड, वो आप जो कि हमारे इस थ्रेड पे देख सकते हैं जिसपे हमने सारी की सारी चीज़ें आज के बारे में बताई हैं। कमांड है फास्ट बूट गेट VARNT। आप इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली वहाँ जाके लिख भी सकते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे और एंटर मारेंगे। एंटर मारते देखिए कुछ आपको ऐसे दिखा NT4 फिनिश टोटल टाइम 0, तो यानी कि ये मेरा फ़ोन जो है NT4 है, इसके अंदर ARB4 है। NT4 मतलब ARB4, एंटी रोल बैक 4, ARB का मतलब है एंटी रोल बैक 4। अगर आपके फ़ोन में NT3 है तो दैट मीन्स आप ARB3 पे हैं। तो अब ये तो आपको पता चलेगा कि ARB3 और ARB4 क्या होता है। तो अब फ़ोन को छोड़ते हैं, डेस्कटॉप पे रहेंगे हम। अब डेस्कटॉप पे सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो बता दूं एंटी रोल बैक है क्या। रिसेंटली जुलाई में Xiaomi ने Redmi Note 5 Pro के यूजर्स के लिए एक एंटी रोल बैक का फीचर जो था वो अनाउंस किया, जिसमें ये था कि वो लोग जो हैं अब अपने फ़ोन को डाउनग्रेड नहीं कर सकते, यानी कि एक OS से दूसरे OS तक नहीं जा सकते, बट कुछ लिमिट तक जा सकते हैं, कुछ लिमिट के बाद वो नहीं जा सकते हैं। तो उसे एंटी रोल बैक कहते हैं कि आप अपने फ़ोन को डाउनग्रेड नहीं कर सकते। अपग्रेड आप कर सकते हैं, डाउनग्रेड अब आप नहीं कर सकते हैं। तो ये मेथड तो मैंने बता दिया कि PC पे कैसे चेक करना है, ये कमांड करके आप फास्ट बूट से आप करते हैं। अगर PC नहीं आपके पास तो आपको कैसे चेक करना है वो मैं भी आपको बताता हूँ। जैसे कि लिखा है कि विच रोम आर ऑन ARB4 इन नोट 5 प्रो, सॉरी यहाँ पे नोट 4 प्रो हो गया है, इसको मैं ठीक कर लूँगा गलती से। अब इसको छोड़ दीजिए आप। देखिए जो ग्लोबल बेटा जो रोम है MIUI 10 का, उसमें MIUI 10 का जो 8.7.12 रोम है, 8.7.12 याद रखना है, ये ARB4 था। इसके ऊपर के जितने भी रोम अभी तक आए हैं वो सारे के सारे ARB4 हैं। यानी कि अगर आपने 8.7.12 कर रखा है या उसके ऊपर जा चुके हैं तो आप ARB4 पे हैं। अगर आप MIUI 9 पे ही हैं अभी तक और MIUI 9.5.19 कर रखा है तब भी आप ARB4 पे हैं। अगर 9.6.0 कर रखा है तब भी आप ARB4 पे ही हैं। यानी कि 9.5.19 और उससे ऊपर जितने भी हैं वो सब ARB4 हैं। अब ARB3 कौन से थे, ARB3 में सिर्फ MIUI 10 का एक ही वर्जन आया था 8.7.5, इससे पहले कोई वर्जन नहीं आया था आप लोगों के लिए, पब्लिक के लिए। तो अगर आप 8.7.5 पे हैं MIUI 10 के ऊपर तो आप ARB3 पे हैं। अगर 9.5.17 या उससे नीचे के किसी भी रोम पे हैं तो ARB3 पे हैं।
तो ये तो तरीका होगा कि पता कैसे करने का कि ARP3 कौन सा है, ARP4 कौन सा है। अब ARP4 और ARP3 पे जो है TWRP को इंस्टॉल करने का अपना अलग तरीका है। जैसे यहाँ लिखा है हाउ टू इंस्टॉल TWRP ऑन ARP4। ARP4 में आपको डमी इमेज को फ्लैश करना पड़ता है, फिर उसके बाद TWRP को फ्लैश करना पड़ता है, जिसका वीडियो मैंने बना रखा है। ये जो लिंक आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको सारी की सारी गाइड मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे अगर ARP4 पे हैं तो TWRP को इस गाइड से फ्लैश करेंगे, अगर आप ARP3 पे हैं तो आपको ये वाली गाइड फॉलो करनी है जिससे आप TWRP कस्टम रिकवरी को फ्लैश करेंगे। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं और उनको फॉलो भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ वीडियो में हिंदी में समझा रहा हूं, यहां सब इंग्लिश में लिखा है, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है तो इसलिए मैं थोड़ा हिंदी में समझा रहा हूं। ये आपको पता चल गया है कि ARP4 कौन सा है और ARP3 कौन सा है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई कि ARP4 आपको कैसे पता करना है और ARP3 आपको कैसे करना है। अब क्वेश्चन ये आता है उससे पहला कि क्या हम फ्लैश जो ARP4 फोन्स होते हैं MIUI के Redmi Note 5 Pro उसमें कस्टम रोम्स को फ्लैश कर सकते हैं। देखो कस्टम रोम में अभी तक कोई भी ARP नहीं है, वो ARP फ्री है। यानी ARP फ्री का मतलब ये नहीं है कि आपके फ़ोन अगर ARP4 है उसमें आप कस्टम रोम को इंस्टॉल कर लेंगे तो ARP रिमूव हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। रहेगा फ़ोन आपका ARP4 ही, आप कस्टम रोम पे जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वापस अपने फ़ोन के ऊपर। आपको ARP4 यानी कि जिस रोम से आप गए थे उसी के ऊपर आना है या उसके अपग्रेड जाना है, नीचे नहीं जाना। कस्टम रोम में अभी तक ARP नहीं लगा, यानी कि कस्टम रोम में एंटी रोल बैक फीचर नहीं है। तो इसमें साफ साफ मैंने मेंशन कर दिया है कि अगर आप MIUI पे वापस आना चाहते हैं कस्टम रोम से तो आप ARP4 MIUI रोम पे ही आएंगे, अगर आप ARP3 पे जाएंगे तो आपका फ़ोन जो है ब्रिक हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कस्टम रोम को आप कभी भी फ्लैश करते हैं उसमें कोई इशू नहीं, उससे वापस आना है तो सिर्फ ARP4 पे आना है अगर आप ARP4 से गए हैं। तो उसी तरीके से अगला क्वेश्चन ये है, कैन आई फ्लैश कस्टम रोम ऑन ARP3? हाँ, ARP3 में भी आप कस्टम रोम को फ्लैश कर सकते हो, बट इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ARP3 से कस्टम रोम पे जाते हैं और वापस MIUI पे आना चाहते हैं तो आपको ARP3 के MIUI रोम पे ही आना होगा। इन केस अगर आप गलती से भी फ्लैश कर लेते हैं ARP4 MIUI, आप फ्लैश तो कर लेंगे, आपका फ़ोन ब्रिक नहीं होगा, बट जो आपकी दोस्ती है जो ब्लैक ड्रैगन है हमारा ARP4 उसके साथ हो जाएगी। यानी अब आपका जो ARP3 का फ़ोन था वो अब ARP4 हो जाएगा अगर आप MIUI का ARP4 रैम फ्लैश कर लेते हैं किसी कस्टम रोम से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगला क्वेश्चन, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि क्या ARP3 और ARP4 के जो MIUI रोम्स हैं उसमें हम बूट लोडर को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। देखो बूट लोडर का ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंटी रोल बैक से, चाहे आप MIUI 9 पे हों, MIUI 10 पे हों, चाहे MIUI बेटा पे हों, चाहे MIUI के ARP3 पे हों या 4 पे हों, आप बूट लोडर को कभी भी लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है कि कैसे अनलॉक करना है, कैसे लॉक करना है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो लॉक करने का कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर, इस पर डरने की जरूरत नहीं है आपको, उसमें एंटी रोलबैक नहीं लगा हुआ। अब पूछते हैं कि जो मैसिक रोम आता है 2.1, 2.5 या कोई भी रोम इनका आने वाला है, इसको आप अपडेट कर सकते हैं? देखिए आप ARP3 इसमें जो मैसिक रोम है इसमें ARP नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कस्टम रोम में जैसे ARP नहीं होता, वैसे ही इस मैसिक रोम में भी ARP नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ARP4 के ऊपर हैं तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वापस आप ARP4 पे ही आएंगे, ARP3 पे नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं आप? यानी कि अगर आप ARP4 का MIUI रोम यूज़ कर रहे हैं आप इस रोम को ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं, आपका फ़ोन ब्रिक नहीं होगा, वापस आपने उसी ARP4 के ऊपर आना है, MIUI रोम के ऊपर आना है, ठीक है। ARP3 पे जाएंगे तो आपका फ़ोन जो है ब्रिक हो सकता है। अब काफ़ी सारे और भी MIUI कस्टम रोम्स आते हैं, जैसे MIUI MS, MIUI HM और भी किस तरीके के, तो आप इसको ARP4 और ARP3 के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। देखो इंस्टॉल करने के तो कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार जो इनकी ऑफिशियल साइट होती है या ऑफिशियल इनका फॉरम होता है उस पर जाके एक बार चेक करें कि इसके अंदर इन्होंने फर्मवेयर डाला है कि नहीं, फर्मवेयर मतलब इसके अंदर ARP डाली है कि नहीं, क्योंकि मैसिक में ARP नहीं होती है। इनमें से कुछ रूम्स के अंदर ARP फ्री हैं और कुछ नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इनके ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं, इनके डेवलपर से बात कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि आपको ये ARP फ्री मिलता है कि ARP फ्री नहीं मिलता है। मैं फिर से बताता हूँ, ARP फ्री का मतलब ये नहीं है कि आपके फ़ोन में से ARP गुम हो जाएगी, उसका सिर्फ मतलब ये है कि आपके फ़ोन में जो ARP थी वही रहेगी। अगर आप ARP4 थे तो आपके फ़ोन में ARP4 ही रहेगी, अगर आप ARP3 थे तो आपके फ़ोन में ARP3 रहेगी। सिर्फ आपको ये याद रखना है अपने फ़ोन को ब्रिक होने से बचाने के लिए, आपको ARP4 से ARP3 पे किसी कीमत पे नहीं जाना है। ARP3 से आप ARP4 पे जा सकते हैं, बट ARP4 से आप ARP3 के ऊपर नहीं जा सकते हैं। ARP4 और ARP3 कोई रोम नहीं है,
ये एक एंटी रोल बैक का फीचर है जो आपके फ़ोन में एक्टिवेट हुआ है। ये कोई रोम नहीं, कहीं आप सोचें कि भैया ARB 4 भी एक कोई रोम आता है यार, ARB 3 भी कोई, ऐसा कोई रोम नहीं है। ये MIU के अंदर एक फीचर जो है एक्टिवेट किया गया है Xiaomi की तरफ से। अब एक क्वेश्चन आता है कि इज़ इट पॉसिबल टू रिमूव ARB 4 एंड ARB 3? नो, ये पॉसिबल ही नहीं है। या तो आपके फ़ोन में ARB 3 होगा या आप तो आपके फ़ोन में ARB 4 होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको रिमूव कर दें या कोई हैक आता हो या बार बार इससे क्वेश्चन आप हमसे पूछते रहे कि भैया कैसे रिमूव करें कैसे। ARB 4 ARB 3 रिमूव नहीं हो सकता, सिंपल सा बात है। अब पूछते हैं डाउनग्रेड कैसे करें फ़ोन को। देखिए डाउनग्रेड करने के दो तरीके हैं, ठीक है, जिसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। एक तो ऑफिशियल वे है डाउनग्रेड रेडमी नोट 5 प्रो, इसमें आप ARB 4 से ARB 4 पे डाउनग्रेड कर सकते हैं, इसमें मैंने बताया, ये आप चेक कर लेना। और एक अनऑफिशियल वे है जिसमें आप ARB 4 से ARB 3 के ऊपर भी जा सकते हैं, बट उसमें सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, उसमें आपको MIU कंपनी के रोम यूज़ नहीं करने। एक MIU का मॉडेड रोम बनाते हैं XDA के डेवलपर, वो रोम आपने यूज़ करने हैं। आप ये वाला वीडियो देख लेंगे, बाईपास एंटी रोल बैक MIU 10 डाउनग्रेड MIU 10 रेडमी नोट 5 प्रो, तो आपको समझ में आ जाएगा। या फिर ये वाला जो थ्रेड हमारा एक हमने बना रखा है पहले से ही कि सेफेस्ट वे टू डाउनग्रेड रेडमी नोट 5 प्रो, इसको पढ़ लेंगे तो आपकी सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब अगला क्वेश्चन है, कैन आई स्विच बिटवीन चाइना एंड ग्लोबल ARB रोम? हाँ, आप ARB 4 से ARB 4 के किसी भी रोम के अंदर डांस कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी कर सकते हैं उसके अंदर, इधर उधर जो करना चाहो करो, ठीक है, चाहे चाइना जाओ चाहे ग्लोबल जाओ चाहे कहीं भी जाओ, बट ARB 3 पे मत जाना भैया। ARB 3 पे गए तो भैया फ़ोन ब्रिक हो जाएगा, MI सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, या फिर एक गाइड होती है कि कैसे इसको फिक्स करना है, उसके लिए भी पहले परमिशन लेनी पड़ती है EDL मोड की। अगर वो चल गया भगवान भरोसे तब आप बचा सकते हैं, नहीं तो आपको सर्विस सेंटर जाना ही पड़ेगा। ARB 4 पे जो भी डांस करना है, चाहे चाइना जाओ चाहे ग्लोबल जाओ चाहे कहीं भी जाना जाओ, बट ARB 3 मत जाना, ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई। क्या होगा अगर आप ARB 4 के ऊपर ARB 3 को कर लें? सीधा सिंपल है, फ़ोन ब्रेक हो जाएगा, ना फ़ोन चार्ज होगा, ना फ़ोन में फास्ट बूट आएगा, ना फ़ोन में रिकवरी चलेगी। MI सर्विस सेंटर के लिए गाड़ी तैयार रखो, बस सीधा गाड़ी खोलो अपनी, जो भी है बाइक कार बस ट्रेन जो भी मिलती है उसको पकड़ो और MI सर्विस सेंटर पहुंच जाओ। अगर नहीं जाना है तो ये गाइड है, एक अनब्रिक हार्ड ब्रिक Redmi Note 5 Pro एंटी रोल बैक, इसको एक बार चेक कर लो। अगर आपके पास परमिशन है EDL मोड की देन आप कर सकते हैं, अदरवाइज सर्विस सेंटर लास्ट ऑप्शन है। अब मैंने यहाँ पे पूरी लिस्ट भी दे दी है कौन कौन से जो MIU के वर्जन है 9 और 10, जिसमें ARB एंटी रोल बैक V4 लगा हुआ है, तो आप सब कुछ देख सकते हैं। ये देखिए MIU 9 में 9.5.19 से लेके ऊपर तक जितने भी हैं उन सब में ARB 4 है। ये 8.7.12 से शुरू हुआ था, 2.6 में भी है, 2 पे भी है, 8.9 पे भी है, 8.16 पे है, तो इन रोम के साथ आप कुछ भी खेलो भैया, ऐसे यहाँ यहाँ जो भी करना है करो, बस इससे नीचे कहीं नहीं जाना आपने। ये रिकवरी वाले हैं, ये फ़ोन से इंस्टॉल होते हैं, ये फास्ट बूट वाले हैं जो उसके लिए कंप्यूटर चाहिए होता है। इसका भी एक वीडियो है जो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर, कैसे फास्ट बूट और रिकवरी फोन्स को इंस्टॉल करते हैं। तो ये तो हो गया एंटी रोल बैक 4 वाले रोम, इन पे कुछ भी करो कुछ नहीं होगा आपके फ़ोन को। इसके ऊपर 8.16 के बाद 8.21 भी आ जाए, 28 आ जाए, 45 आ जाए, कुछ भी हो नहीं होगा कुछ भी। ये है एंटी रोल बैक 3 के रोम्स। 9.17 से नीचे जो है जितने भी हैं सब में ARB 3 था, और बेटा में सिर्फ जो MIU 10 का 8.7.5 ही आया था जो मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे जो डांस करना है करो, इससे इस पे जाओ, इससे इस पे जाओ, इससे इस पे जाओ, जहाँ जाना जाओ, कुछ भी करो कुछ नहीं होगा। हाँ, इससे इसके ऊपर चले गए तब भी कुछ नहीं होगा, बट दोस्ती आपकी ARB 4 से हो जाएगी। फिर यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ से कूद के सोचो कि भाई यहाँ आऊँ, फिर यहाँ नहीं आ, यहाँ से यहाँ जा सकते हो, यहाँ से यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इन सभी चीज़ों को जो मैंने आपको दिखाया, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है देख सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। फिर से एक बार बोलूँगा, ARB 4 से ARB 3 नहीं जा सकते। ARB कोई रोम नहीं है, ARB एक फीचर है एंटी रोल बैक जो आपके फ़ोन में लगा हुआ है, ठीक है। कस्टम रूम पे आप जा सकते हैं, कस्टम रूम जो ARB 3 होते हैं, यानी कि ARB 3 मतलब ये नहीं कि कस्टम रूम डाला तो आपके फ़ोन में से ARB उड़ गया, ARB रहेगा। जो ARB 3 से गया था तो उसमें 3 रहेगा, जो ARB 4 से गया था वो 4 में रहेगा। वापस आपने उसी रोम पे आना है, यानी उसी ARB 4 के रोम पे आना है। जैसे आप ARB 4 के रोम से गए तो आप इन्हीं रोम पे वापस आ सकते हो, इनके ऊपर नहीं आ सकते हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो कुछ भी अगर आप डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, या तो हमारा जो चैनल है टेलीग्राम का उस पर जाके हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को लिखने में, आपको समझाने में और एक वीडियो को क्रिएट करने में। लाइक कमेंट और शेयर आपका मोटिवेशन होता है हमारे लिए, ताकि हम आपके लिए रोज़ ऐसी वीडियो ला सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।